वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज से कई बदलाव और नए नियम लागू हो जाएंगे जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे। देश में 1 जनवरी 2021 से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य होना था, लेकिन अब इसे बदलकर 15 फरवरी 2021 कर दिया गया है। नई गाड़ी के साथ साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। फास्टैग लगाने का फायदा ये होगा कि बिना इंतजार किए टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। ग्राहक अब कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन से 2,000 रुपए के बजाय 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकेंगे। ये बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। एक जनवरी 2021 से चेक के जरिए भुगतान करने के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। नए नियम लागू होने के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसके अंतर्गत 50,000 से ज्यादा के चेक के लिए जरूरी जानकारी की पुष्टि दोबारा की जाएगी। ये नए नियम चेक पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने और बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाए गए हैं। एक जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के नियम भी बदल रहे हैं। निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम लागू होने के बाद फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करना अनिवार्य होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। एक जनवरी से अमेजोन पे, गूगल पे और फोन पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। NCBI ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली UPI पेमेंट सर्विस पर एक्स्ट्रा शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद NPCI ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। पेटीएम इस दायरे में नहीं है। रेलवे ने नए साल पर अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें छपरा से नौतनवा और वाराणसी को जाएंगी। दोनों ट्रेनों का संचालन 3 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इसमें छपरा वाराणसी सिटी छपरा ट्रेन का संचालन सप्ताह के 7 दिन होगा। वहीं छपरा नौतनवा छपरा ट्रेन रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी। एक जनवरी 2021 से कारें खरीदना भी महंगा हो रहा है। दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनियां नए साल में अपने कई मॉडल के दाम 5% तक बढ़ाने जा रही हैं, जिसके बाद कारें महंगी हो जाएंगी। टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी स्कूटर बाइक की कीमतें 1 जनवरी से बढ़ा रही है। अगला बदलाव GST से जुड़ा है। सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जनवरी से साल के दौरान 12 की जगह सिर्फ 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं। इस दौरान कीमत में इजाफा भी किया जाता है और कीमतों में राहत भी दी जाती है। ऐसे में आज से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव तय है।